Hi guys, it's Shreya. Welcome to my channel Play With Art. So finally I'm back with a new another creative idea. So please follow me on Instagram. I will add this on the screen. So आज मैं यहाँ पे recreate करने जा रही हूँ basically the 3D floral painting by शिवांगी शाह. मैं शिवांगी दी की बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ, तो उसी के एक प्रोजेक्ट को, आर्ट प्रोजेक्ट को मैं आज रिक्रिएट करने वाली हूँ. तो इसीलिए हमको चाहिए मोल्डेड क्ले एंड एक MDF बोर्ड. आप चाहे तो किसी भी मीडियम को यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेस, एंड मुझे लगेगी यहाँ पे फेविकॉल. So without wasting any moment, let's get start the video guys. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट को सेम क्वांटिटी पे लूँगी एंड उसको अच्छे से मिक्स करूँगी. तो बॉक्स को साइड पे रखते हैं एंड दो कंपोनेंट को अच्छे से मिक्स करते हैं जैसे बीच में कोई लंप क्रिएट ना हो सके. सो यू गाइज कैन सी दैट मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके एक छोटी सी गुल्ला बना रखी है. तो इसको साइड पर रखते हैं और आते हैं हमारे MDF बोर्ड की तरफ. तो MDF बोर्ड के ऊपर मैं एक रफ स्केच ड्रॉ करूँगी जस्ट फॉर द प्रैक्टिसिंग. तो मैं यहाँ पे एक वाइट पेंसिल की हेल्प से मेरी जो फ्लावर पैटर्न है तो मैं उसी को क्रिएट कर लूँगी. शिवांगी दी ने जो फ्लावर क्रिएट की थी मैं उसी को रिक्रिएट कर रही हूँ. तो देखते हैं ये कैसे होता है. सो यू गाइज कैन सी दैट रफ स्केच ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी. तो ये जस्ट फॉर एक आइडिया लेने के लिए है कि हमको कहाँ पे क्रिएट करना है, फ्लावर को कहाँ पे ड्रॉ करना है. इसके बाद मैं लूँगी आर्टिस्ट जेसो एंड मैं यहाँ पे बस्ट्रो का आर्टिस्ट जेसो यूज़ कर रही हूँ. मैं MDF बोर्ड को अच्छे से एक जेसो की कोट अप्लाई करूँगी एंड इसके बाद मैं अच्छे से एक कलर अप्लाई करूँगी, बैकग्राउंड कलर. मैंने यहाँ पे कलर को थोड़ा सा टोन डाउन करके यूज़ की है. मैंने यहाँ पे टर्कविश ब्लू, वाइट एंड थोड़ा सा येलो कलर लेके ये कलर मिक्स करके बनाई है एंड इसी को मैं एज अ बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रही हूँ. कलर ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे एक ब्लैक पेंसिल लेंगे जैसे कि हमारा पेंटिंग थोड़ा विजिबल हो सके. तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक पेंसिल की हेल्प से मेरी जो फ्लावर पैटर्न है मैं उसी को क्रिएट कर रही हूँ. सो धीरे धीरे करके मैं पूरी फ्लावर को एंड लीव्स को क्रिएट करूँगी. पूरी फ्लावर ड्रॉ होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे प्रोसीड करेंगे. हम यहाँ पे ले रहे हैं एक डैमेज्ड ब्रश एंड उसके हेल्प से हम यहाँ पे ईच पार्ट पे फेविकॉल अप्लाई करेंगे. हमको हर एक पार्ट पे फेविकॉल ऐड करना है एंड उसके ऊपर क्ले को चिपकाना है. सो यार यू कैन गाइस सी दैट मैं यहाँ पे छोटी सी क्ले के एक टुकड़े लेके उसको हाथ की हेल्प से, मेरी हैंड्स एंड फिंगर की हेल्प से अच्छे से एक ओवल शेप देने की कोशिश कर रही हूँ जैसे कि हमारा फ्लावर का जो पेटल्स है उसको हम दे सकते हैं एक अच्छी सी शेप. एंड उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाथों की हेल्प से, मेरी फिंगर्स की हेल्प से उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी. सो गाइज यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे फ्लावर का जो मेन बीच का हिस्सा है उसको मैंने क्रिएट कर चुकी हूँ. अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी दो जो साइड का जो पेटल्स है उसको. तो हम यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे. हम यहाँ पे फेविकॉल पहले अप्लाई करेंगे एंड उसके ऊपर क्ले को चिपकाएंगे.
तो यू कैन गाइस सी दैट मैं यहाँ पे छोटे छोटे दो फ्लावर्स का जो पेटल है उसको ऐड कर रही हूँ फेविकॉल की हेल्प से। पूरी फ्लावर कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे कोई स्पेशल टूल की यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने फिंगर्स एंड ब्रश की हेल्प से थोड़ी थोड़ी करके उसको शेप देने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे एक ब्रश के ऊपर थोड़ा सा पानी लेके इसके सरफेस को थोड़ा थोड़ा करके स्मूदन करने की कोशिश करेंगे। एक कॉमन सा बात यह है कि गाइस आप जो सरफेस है उसको जितना स्मूथ करेंगे आपका कलर उतना ही अच्छे से स्मूथली अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पे एक ब्रश के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके पानी लेके फ्लावर की ऊपर का जो सरफेस है उसको मैं धीरे धीरे करके स्मूथ एंड डाउन कर रही हूँ। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करके पूरी फ्लावर पीस को क्रिएट करूँगी। सेम प्रोसेस को फॉलो करके मैं यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से क्ले को ऐड करते जाऊँगी एंड या दैट्स ऑल। तो आपको यहाँ पे कोई बेसिक आर्ट नॉलेज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है या गाइस, इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको जस्ट फेविकॉल अप्लाई करना है एंड क्ले को अच्छे से ऐड करते जाना है। फेविकॉल ऐड करने के बाद, क्ले को सेट करने के बाद, आपको थोड़ा थोड़ा अपने हाथ की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से उसको शेप अप्लाई करना है। दैट्स इट, यस। सो ये इतना भी मुश्किल भी नहीं है गाइस, इट्स अ फन प्रोसेस, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। सो मैंने गाइस यहाँ पे आपको हर एक पार्ट पे क्ले अप्लाई करना दिखाया है, इससे आपको हेल्प भी मिलेगी कैसे मैंने हर एक पार्ट पे क्ले अप्लाई की है। इसलिए गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबी हुई है तो मैंने फिर भी फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को पोस्ट की है, आप इसे बोर नहीं होंगे। सो प्लीज़ गाइस वॉच टिल द एंड।
सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बड़ी वाली सब हिस्से को अटैच कर ली है अच्छी तरीके से। नाउ छोटे पोर्शन के लिए मैं यहाँ पे कोई स्पेशल टूल की यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे भी हम लोगों को कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे एक छोटी सी सेफ्टी पिन का यूज़ करें। मैं यहाँ पर एक छोटी सी सेफ्टी पिन की मदद से छोटी छोटी जो पोर्शन है उसको क्रिएट करूँगी। सो हियर इट इज़। आप देख सकते हैं गाइस पूरी क्ले को ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी। अब आपको जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा सरफेस को ऊबर खबर लगे आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके उस सरफेस को स्मूदन डाउन कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे फिर से जेसो का एक कोट अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रस्टो का आर्टिस्ट जेसो। मैं यहाँ पे जेसो से पूरी एक थिन कोट अप्लाई कर लूँगी। जेसो पूरी तरह से ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कलर। फ्लावर्स के लिए मैं यहाँ पे चूज़ की हूँ रेड एंड वाइट कलर को मिक्स करके थोड़ा सा पिंक कलर। ये पिंक कलर मैं पूरी फ्लावर पे अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट नीचे की तरफ से मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके शेडिंग करूँगी। इससे ये बहुत क्यूट दिखेगी। आप देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे कैसे फ्लावर पे शेडिंग अप्लाई की है। आप यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, धीरे धीरे ये करते जाइए। इसके बाद फ्लावर कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लीव्स की कलर। लीव्स की कलर के लिए मैं यहाँ पे सैप ग्रीन के साथ थोड़ा सा येलो लेमन येलो मिक्स करके यूज़ की है। लिप्स पे फर्स्ट कोट अप्लाई होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डिटेलिंग ऐड करूँगी एंड सेकेंड शेड को अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लाइट एंड शेड्स के साथ प्ले कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो कलर नेक्स्ट अप्लाई की है शेडिंग के लिए वो मैं सेम ही सैप ग्रीन के साथ थोड़ा सा येलो मिक्स करके ये कलर बनाई है। यहाँ पे मैं येलो के क्वांटिटी थोड़ा सा लेमन येलो के क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखी है एंड सैप ग्रीन थोड़ा कम रखी है, तो आपको ये कलर मिल जाएगी। Thank you.
जितना ज़्यादा हो सके गाइस आप यहाँ पे डिटेलिंग ऐड करते जाइए। डिटेलिंग ऐड करने के बाद मुझे लगा पीछे वाली पोर्शन थोड़ा सा ब्लर आउट लग रही थी, तो इसलिए मैं इसको इस पे थोड़ा सा लीव्स ऐड करूँगी। यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लूइश कलर, टार्केश ब्लू के साथ मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा लेमन येलो। सो यहाँ पे पूरी लिप पे शेडिंग्स अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे इस पेंटिंग को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। ये पूरी ऐसी दिखेगी। नाउ आई एम टेकिंग अ बिग ब्रश एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ वार्निश। वार्निश के एक दो तीन ड्रॉप लेके मैं यहाँ पे पूरी पिक्चर पे वार्निश अप्लाई करूँगी, जैसे कि मेरे पेंटिंग फर्दर कोई ख़राब होने की चांसेस नहीं रहे। सो वार्निश अप्लाई करने के बाद मैं इसको रखती थी ड्राई होने के लिए, तो ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी गाइस। तो हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट। मैंने तो पूरी प्रोसेस को बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय की है। आई होप यू गाइस ऑल्सो इन्जॉयड इट। मैंने शिवांगी दी की सेम प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो की है। सो मेक श्योर आप ही ऐसा एक 3D वॉल पेंटिंग आपके लिए भी बनाए। सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑन द वीडियो फर्स्ट, सो आप वहाँ पर भी मुझको टैग कर सकते हैं एंड आई विल ऑल्सो मैंशन माई यूट्यूब हैंडल हियर। मैं स्क्रीन पर कोई एक जगह पर मैंशन कर दूँगी तो आप वहाँ पर भी मुझको टैग कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर्स वन। ऑल्सो मेक श्योर गाइज यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर वीडियोज नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। Please like, share and comment a lot and please give your valuable feedback and opinion. It will be means a lot to me. So yeah, that's all. That's all for today's video guys. See you in my next video. Till then, take care. Stay safe. Bye-bye.